प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया, मेरे परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जून 18 तारीख प्रभु ने आशीर्वाद करके दिया है रविवार को कि हम उनकी आराधना कर सके, स्तुति कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद कहे। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 प्रभु। पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, हर एक अनर्थों से बचाया, रोगों से आपने हमें बचाया, हमारे प्राण को मृत्यु से, हमारी आंखों को आंसुओं से, हमारे पैरों को ठोकर लगाने से आपने बचाया। समाधान के साथ, खुशी के साथ हमारे अंदर हमें भरपूरी से आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें खुशी दी हमारे घर में, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने हमें अच्छे स्वप्न दिखाए, उसके लिए धन्यवाद। आपने समाधान के साथ सुलाया, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। हमारी जरूरतों पर आप हमारे साथ रहे थे, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया, आज के दिन आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपने हमें जगाया, उसके लिए कौबा धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन यीशु मसीह में हमें जय वन चलाते, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे आगे और पीछे हमें घेरे हुए, उसके लिए धन्यवाद। हम जो भी कुछ आप जो भी हमसे चाहते हैं वो सब करने में आप हमारी सहायता करें। आपकी कृपा, आपका प्यार हमारे ऊपर से आप बहाते हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी प्रवृत्ति हमारे लिए होती है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी प्रवृत्ति करने के लिए आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके प्यार करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। जैसे भजन संहिता 105 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया, आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन प्रभु जयवंत हमें यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं ये प्रार्थना को। हालेलुया, आमेन। प्रभु आप हमारे साथ, उसके लिए धन्यवाद। आपकी प्रवृत्ति हमारे द्वारा होती है, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके घर में प्रभु समाधान खुशी हमेशा रहे, आपकी दिव्य समृद्धि रहे। यीशु मसीह के नाम से हर एक कमजोरी, हर एक परेशानी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। इनके परिवार में खुशी और समाधान से वो भर जाए। इनके कामों में प्रभु आपका प्रवृत्ति हो। हालेलुया प्रभु, आपकी प्रवृत्ति इनके द्वारा पूरा होता, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो उन जिनके मुंह में जो है छाले आकर जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक तरीके के छाले यीशु मसीह के नाम से उसमें चंगाई मिले। हालेलुया, जो बुखार से पीड़ित है, जो खांसी से पीड़ित है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो भी बाहर से, जो भी रोग से पीड़ित है प्रभु, आंखों में जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हड्डियों में चंगाई मिले, जोड़ों में चंगाई मिले। हालेलुया, उनके नसों में चंगाइयां मिले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चंगाई मिले। हालेलुया, आपकी प्रवृत्ति हो, आपकी अद्भुत प्रवृत्ति सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छूती है, उसके लिए धन्यवाद। अद्भुत कार्य होती है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, जो हमेशा के लिए जो डिसेबिलिटी हुई है, उन सब से छुटकारा पूर्ण तरीके से मिले। हालेलुया, जो बिस्तर में है वो उठ खड़े हो जाए, जो भी अंग जो कार्य नहीं करे वो उसमें यीशु मसीह के नाम से जीवन को घोषित करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता, आपने ऐसा किया प्रभु। वैसे हम प्रार्थना करते हैं, जो भी अलग भार से पीड़ित है, जो यात्रा करना चाहते हैं लेकिन यात्रा करने से जो भी रुकावट हो गई है, काफी समय से जो फंसे हुए हैं
प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके कार्य जो उनकी जो यात्रा का जो है वो सब रुकावट दूर हो जाए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से वो समाधान के साथ यात्रा करने वाले हो। हालेलुया पिता, हम प्रार्थना करते जो व्यापार करते हैं उनको प्रभु आप अभिवृद्धि दे, आप उनको समृद्धि दे, आप उनको भलाई से तृप्त करें। हालेलुया प्रभु, आपने अद्भुत कार्य किया उसके लिए धन्यवाद। आज दुनिया भर में जो कलीसिया इकट्ठा होती है वहाँ पे प्रभु आपकी बड़ी महिमा उतरे, बड़ी प्रभाव पूरी दुनिया में रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा हो, आपके कार्य हो। हम प्रार्थना करते हैं, सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, परमेश्वर आपको बहुत आज आशीष दे, परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन भरपूरी से हो। और प्रत्येक रूप से याद रखे इब्रानियों की किताब से हम पढ़ेंगे उसके पहले अध्याय से। हालेलुया, और उसका पहला वचन इब्रानियों की किताब 13 अध्याय और उसका पहला वचन, उसमें लिखा है भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हालेलुया, तो परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा जो परिवार हम संगी बने हैं उसमें हम सब क्या बनते हैं, एक पिता के बच्चे हो गए हैं। हालेलुया, अब हम एक परिवार के भागी हैं। और जिस तरीके से एक परिवार में भाई बहन जो है उनमें जो प्यार होता है, वैसे ही परमेश्वर ने हमें उनके परिवार के भागी बनाकर अब हम कौन है, हम परमेश्वर के बच्चे हो गए हैं। हालेलुया, इसलिए हम एक दूसरे को भाई बहन करके बुलाते हैं। और वचन भी हमें सिखाता है कि हम देखें परमेश्वर हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया, और परमेश्वर में जो प्यार हमें मिला है वो हम अपने भाई बहन दुनिया में देश में हम उसको फैलाते हैं। हालेलुया, और दूसरी चीज़ हम सीखते ये है कि हम अतिथि सत्कार करने वाले हो। अतिथि सत्कार करते तो उसमें एक आशीष है। काफ़ी बार लोग जो है उसको छोटा समझते हैं, उसको ज़्यादा प्रधानता नहीं देते। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हम अगर दिव्य आशीष को अनुभव करना चाहते हैं तो अतिथि सत्कार करने वाले हो और अच्छे से करने वाले हो। हालेलुया, उसका मतलब ये है कि अतिथि के द्वारा जो है जब हम उनके सत्कार करते हैं परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको आदर से हम रखें। हालेलुया, इसलिए हम इब्रानियों की किताब में ऐसे पढ़ते हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं जो बिना जाने स्वर्ग दूतों को अतिथि सत्कार किया। हालेलुया, इसलिए मैं और आप भूले ना अति सत्कार करना। हालेलुया आमेन, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रधानता वचन में भी सिखाता है। हालेलुया, अब अतिथि सत्कार मतलब किस तरीके से उनको हम अच्छे से रखते हैं, उनके लिए जो भी हम करते हैं वो सब हमें करना चाहिए। हालेलुया, अब कैसे हम अतिथि को स्वीकारते हैं वो हमें देखना है। हालेलुया, पहले राजा की किताब 17 अध्याय में अगर हम देखेंगे तो सराफात में जो एक विधवा थी, हालेलुया, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एलिया जब नबी आए तो वहाँ पर उस देश में पूरा सूखापन था और उनके पास एक कटोरी में थोड़ा सा आटा था। वो खाकर उसका आटा का गूंद जो था रोटी बनाकर वो अपने को और अपने बच्चे को देखकर वो मृत्यु करने की सोचती है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर कि जिस तरीके से जब नबी आते हैं तो क्या करते हैं, वो वहाँ पर उनको आटा बनाकर या वो रोटी बनाकर वो दे देती है। वो अगर नहीं देती तो वो अपने बच्चे को देती, लेकिन यहाँ पे दिया तो वो शायद उसका बच्चा जो है बिना खाए वो मर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर उसकी जो अतिथि सत्कार उसने जो किया है उसको सम्मानित किया। हालेलुया आमेन, इसलिए हम देख सकते हैं और भी अध्याय में, हालेलुया, कि अब्राहम ने कैसे किया या उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर को स्वर्गीय एक अतिथि है। हालेलुया, स्वर्गीय तौर से वहाँ पे एक अनुभव आता है और वहाँ पर वो जब जो लोग आए थे उनको वो जल्दी से वो बाहर से उनको अंदर बुलाते हैं और उनके लिए अच्छा सा भोजन तैयार करते हैं और वचन सिखाता है ऐसा कि वो खड़े रहकर उनको अच्छे से खिलाया। हालेलुया, तो कितना ज़्यादा अतिथि को प्रधानता दिया यहाँ पे इब्रानियों ने। वो वहाँ दरवाजे से जाना चाहते थे, लेकिन उत्पत्ति में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर
अब्राहम ने उनको प्यार से उनके पास जो सबसे अच्छा था वो फूड, वो जो खाना है वो दिया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हाँ खा लो, अगर चाहते हो तो खा लो, नहीं खाना है तो नहीं खाओ, ऐसे नहीं। कुछ लोग होते हैं जो टेबल में जाके खाना रख देते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। हम अच्छे से सत्कार करने वाले हो, हम अपने जीवन में वो हम देखे, हम कभी कभी कोई मर्यादा से हम अपने अतिथियों को हम अच्छे से सत्कार नहीं करते हैं, या दूसरों के जो स्टैंडर्ड है उनके जो पद्धति है पदवी है उसके अनुसार हम करते हैं। जो कुछ VIP होंगे तो उनको बहुत अच्छे से हम उनके अतिथि सत्कार करते हैं, और अगर हमसे भी थोड़े से छोटे या उनके जो उनका जो तरीका हमारे उतना नहीं है तो हम उनको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं मेरे प्रिय लोग, हम इसलिए आशीष अगर पाना चाहते हैं इब्रानियों की जैसे हम जिसे इब्रानियों में पढ़ा और अब्राहम के जीवन में देखा वैसे हम करने वाले हो, तो आदर देते हुए हम अतिथि सत्कार करने वाले हो। हालेलुया। तो हम वचन में सीखते हैं कि एक पुत्र के जो पुत्र मिलने का जो वादा है वो पूरा होते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के दूत ने भेज कर वहां पर उनको आशीष किया। हालेलुया। और जब लोत ने क्या किया, अच्छे से जब अतिथि सत्कार नहीं किया तो वहां पे सोदोम गोमोरा जो है वो नाश हो जाता है। हालेलुया। जब लोत ने जब स्वीकार किया स्वर्गदूत आने पे तो उनका परिवार अकेले बच गया, लेकिन जो वो देश है वो खराब हो गया। और राहाब के जीवन में भी देखते हैं, उन्होंने भी राहाब ने भी स्वीकारा अपने अतिथि को तो वो भी वो उस देश में बच गई। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जो कोई भी परमेश्वर हमारे सामने लाते हैं उनको प्यार देने के लिए हम तैयार होते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, तो वो हमारे आशीष का कारण बनता है। लेकिन हम कितने भी बड़े लोग हैं और हम थोड़ा सा भी नम्र नहीं होते हैं, हम किसी को प्यार नहीं करते हैं या हम किसी के सत्कार नहीं करते हैं, कोई हमारे घर आते हैं उनको एक पानी देना जो है उनका भूख उनका मिटाने वाले अगर हम बनते हैं तो वो हमारे जीवन में आशीष का कारण बनता है। वो एक बीज डालने के बराबर है, उसका जो है हमें प्रतिफल जरूर मिलेगा। जब हम ऐसे बीज डालते हैं या जैसे हम सत्कार करते हैं उनकी जो जरूरतों को पूरा करते हैं, हालेलुया, उनके लिए जो क्रमीकरण हमें करना है प्रत्येक रूप से जब हम करते हैं वो हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये हमारे जीवन का एक शैली बन जाए, ये हम एक तरीका हो हमेशा का, जो अपने विश्वासी और जो अविश्वासी है वो भी हमारे ये अतिथि सत्कार को देके वो परमेश्वर के पास आएंगे। इसलिए आज वचन हमें सिखाता ये है कि अतिथि सत्कार को हम छोटा ना समझे, ना हम उसको धिकारे, हम हमेशा करते रहे, वो हमारे लिए नाश का कारण नहीं बनेगा लेकिन आशीष का कारण बनेगा। परमेश्वर से जो प्यार है उसके लिए हम करें, जो भी हम करते परमेश्वर के लिए करने वाले हो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरे प्रिय लोग, एक साथ कहते हैं यीशु मसीह के नाम से, हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।